हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे उम्मीद है पिछले लेक्चर को आपने बहुत गौर से पढ़ा होगा और बहुत शानदार तरीके से आपको वो समझ में आ चुका है। नोटिंग आप साथ साथ करते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में हम झटपट उसे रिवाइज कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार लेक्चर। सबसे पहली बात जो बहुत ही छोटी है, जिसे पढ़ने में भी शर्म आती है क्योंकि आप उसे पहले से ही सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहली बात, मजेदार बात, अगर हम कैपिटल वर्ड सुनते हैं कैपिटल, तो कैपिटल वर्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग निकालता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स वाले सर कैपिटल को पता नहीं क्या बोलते होंगे कि भैया कैपिटल इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये होती है। ठीक है, अकाउंट्स वाले सर, ठीक है, कैपिटल को क्या बोलते हैं कि भैया देखो कैपिटल ये होती है, बिजनेस में लाई जाती है पूंजी। ठीक है, आप और मैं आम आदमी कैपिटल क्या बोलेंगे? कैपिटल मतलब भैया, कैपिटल का मतलब है हमारे लिए तो राजधानी। जैसे हमारे देश की कैपिटल है भैया राजधानी दिल्ली, तो हमारे लिए तो कैपिटल का मतलब दिल्ली हो गई, है कि नहीं बात? तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैपिटल का मतलब होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ऊपर से भूमि कैसी बना रखी है, कैपिटल ये वो। लेकिन अगर कंपनी की बात करें, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल। हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे? शेयर कैपिटल से लेना देना है, राइट। कैपिटल को क्या माना जाता है? अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कैपिटल को माना जाता है टर्म, फिगर टर्म ऑफ सो मैनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर। यानी कि अगर आप किसी भी अमाउंट को शेयर के टर्म में बोलते हो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैंने IOC के, ठीक है, 1,000 शेयर ले रखे हैं, राइट, मैंने IOC के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1,000 शेयर लिए हैं, तो मैं एक तरीके से ये दिखा रहा हूं कि मेरे पास IOC की 1,000 शेयर की कैपिटल है। फिर आप इसे मनी टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि IOC का शेयर अगर मान लो 100 रुपए का चल रहा है, तो 1,000 × 100 रुपए। तो इसका मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से अगर आप देखो, द कैपिटल इन टर्म ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इंटू शेयर, यानी कि रुपया, बहुत सारा रुपया किसमें बोला जाता है? शेयर के नाम से बोला जाता है, डिवाइड इनटू शेयर। हम पैसे को शेयर में, छोटे 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 शेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स अमाउंट को ध्यान में रखकर। इन अदर वर्ड, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन ऑफ द कॉमन स्टॉक, वही बात है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, जब कंपनी बनी तो मैंने कुछ उनके स्टॉक में, कॉमन स्टॉक में, है कि नहीं बात, कंपनी को बनाते टाइम पे उसकी फॉर्मेशन में क्या किया, कुछ पैसे दे दिए। ठीक है, फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो क्या कही गई, कैपिटल ऑफ द कंपनी, द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल इज हिज शेयर। जितनी कैपिटल एक मेंबर ने ली है तो वो उसकी किस नाम से डिनोट होती है? शेयर के नाम से डिनोट होती है, एंटाइटल इज शेयर। अ शेयर इज नॉट अ सम, सबसे खतरनाक वर्ड सुनो जो एक केस लॉ से आया, शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। शेयर का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि भैया पैसे की बात कर रहे हो, सम ऑफ मनी, भैया इतना पैसा लगा रखा है मैंने कंपनी में तो ये मेरे शेयर हो गए। रेदर, शेयर मतलब इंटरेस्ट, सबसे खतरनाक वर्ड याद रखना, रेदर शेयर इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट मेजर बाय अ सम ऑफ मनी। यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट, यानी कि आपका एक हिस्सा, ठीक है ना, एक कंपनी में जिसे हम पैसों में नापते हैं। यानी कई बार हम कहते हैं ना, भाई इस काम में तेरा क्या इंटरेस्ट है, ये बता यार, मुझे ना कल यहां जाना है, ठीक है, तू क्या करेगा वहां जाके, तेरा क्या इंटरेस्ट है उसमें, ये बता। तो हम कल बता, तेरा क्या इंटरेस्ट है, ये वो वाला इंटरेस्ट है, मतलब तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या चाहत है उसमें, ये बता, तू क्यों इतना उतावला उस काम को करने के लिए, कुछ तो बात है, तेरा कुछ तो इंटरेस्ट छुपा है, तो ये वो वाली बात है। इट इज इंटरेस्ट मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी, मेरा कंपनी में क्या इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट को हम, उस भावनाओं को पैसों में नापते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। ठीक है ना, और साथ साथ उसमें क्या मिलता है मुझे, वेरियस राइट, जैसे कि सबसे बड़ा राइट जो मैंने आपको बताया, वोटिंग का राइट मिलता है, ठीक है ना, जब भी कोई कंपनी काम करती है। तो देखिए अगली बात, देखो बच्चों वाली बात, अगली बात बिल्कुल टुच्ची मुच्ची बच्चों वाली बात है, आपको पता ही है ना, अकाउंट्स में आप देखते हैं नॉमिनल कैपिटल, पहले नॉमिनल कैपिटल आती है, रजिस्टर्ड कैपिटल आती है, यानी कि वो कैपिटल है ना जो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में लिख दी जाती है, भाई इतनी कैपिटल हम अपनी कंपनी के रखेंगे, जिसे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बोल देते हैं। आई होप
बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट रीडिंग लेनी है आपको. दस इट इज द सम ऑफ स्टेट इन द मेमोरेंडम एज कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इट इज टू बी रजिस्टर्ड बींग द मैक्सिम अमाउंट ऑथराइज टू इशू, की मैक्सिमम इतने में इशू कर सकता हूं. इशूड कैपिटल है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर फोकस करो. आपको आप जानते हो उस बात को, विच मीन कैपिटल एज अ कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्राइबर, जो आपने इशू कर दी वो. और सबसे मुद्दे की बात ये, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी. ये चांद तारे लगाएंगे, ऑफर्ड बाय द कंपनी, ठीक है ना. अकाउंट्स वाले सर भी आपको ये बताते आए हैं 12th क्लास से, राइट. अगली बात देखो फिर कौन सी आती है, फिर बात आती है सब्सक्राइब कैपिटल, राइट. सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी, एज सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर है ना सब्सक्राइब कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. आपको पता ही है, इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टेकन बाय द कंपनी, यानी कि ये नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर है जो कंपनी है ना ले लेती है. अगली बात देखो बड़ी मजेदार, किसी भी नोटिस में, सुनना ध्यान से, किसी भी नोटिस में, किसी भी एड में, ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन के पेपर पर, यानी कि कंपनी के लेटर हेड पर, बिल के हेड पर, किसी भी पेपर पे आपने कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी है, जिस भी पेपर पे ऑथराइज कैपिटल लिखी है, चाहे वो एड हो, चाहे नोटिस हो, चाहे लेटर हेड हो, ठीक है ना, द सब्सक्राइब्ड, साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसी पेपर पर सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल बी लिखनी पड़ेगी इन इक्वल है ना कॉन्स्पिशियस करेक्टर, नहीं कॉन्स्पिशियस मतलब क्लियर, साफ है कि नहीं बात, राइट, बिल्कुल पारदर्शी, ठीक है ना, इक्वल करेक्टर में, साफ करेक्टर में वो भी लिखनी पड़ेगी. यानी कि अगर आपने ऑथराइज कैपिटल लिख दी लेकिन आप पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, तो भैया तैयार रहना पेनल्टी के लिए, ठीक है ना, जो पेनल्टी 10,000 तो होगी किसके लिए, कंपनी के लिए, और 5,000 किसके लिए होगी, 5,000 होगी वो एवरी ऑफिसर जो इन डिफॉल्ट है. बात समझ में आ गई ना बात, तो पहले क्या लिख के 10,000 किसके लिए, कंपनी के लिए, 5,000 किसके लिए है, ऑफिसर के लिए, ठीक है ना, बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी है. फिर क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, आपको बताइए कॉल्ड अप कैपिटल, राइट, कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, ठीक है ना भैया, कॉल कर दे भैया पैसे ले आओ इतने, है कि नहीं बात, राइट. और पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल वो होती है जो एक्चुअली शेयर होल्डर हमें पे कर देता है, इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर ही होती है, लेस कॉल सिनेरियर, उसमें कॉल सिनेरियर इंक्लूड नहीं करते. और आपको बताइए आप इसको याद कैसे करते हैं, सर हम इसे याद करते हैं कुछ इस तरीके से, आओ इधर सब कॉफी पिए, याद आ गई ना बात, हाँ सर समझ गए, आओ इधर सब कॉफी पिए, तो बताओ ए से क्या बनेगा, ऑथराइज कैपिटल, इधर से इशूड कैपिटल, से सब्सक्राइब कैपिटल, कॉफी से कॉल्ड अप कैपिटल, और पीए से पेड अप कैपिटल. यानी कि इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड है ना, सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और पेड अप इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, राइट. आई होप बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके समझ में आ चुकी होगी, ठीक है. अब आते हैं शेयर्स के टॉपिक पर, ठीक है ना, बच्चों वाली बातें, ऐसा टुच्ची टुच्ची बात है, तो पढ़ना शुरू करते हैं. डिफाइन द टर्म शेयर, जो मैंने पहले ही बताया, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक, शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इन द शेयर कैपिटल. अब ये क्या मतलब, शेयर मतलब शेयर इन द शेयर कैपिटल, नलायको यहां शेयर का मतलब है आपका अपना हिस्सा, क्या वर्ड लिखेंगे, हिस्सा. यानी कि एज पर द कंपनी एक्ट 2013, राइट, द टर्म शेयर मींस विच हैज शेयर इन द शेयर कैपिटल, यानी कि अ शेयर, एक हिस्सा इन द शेयर कैपिटल. यानी टोटल शेयर कैपिटल, मान लो अगर रिलायंस की अगर हम बात करें शेयर के न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि रिलायंस के अगर मान लो 1 करोड़ शेयर है, तो आपका उस 1 करोड़ में कितना हिस्सा है, उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इंक्लूड स्टॉक. अब सर स्टॉक क्या है, अब देखो कई बार भाई क्या होता है, कई बार कुछ लोग शेयर कैपिटल बोल देते हैं, है ना, राइट, या स्टॉक भी बोल देते हैं. अगर आपने
देखा होगा एक आम आदमी, देसी आदमी है ना, कैसे बोलेगा, भैया मैंने क्या किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदे, शेयर मार्केट बोलता है। लेकिन जब आप एक चैनल देखेंगे ना सीएनबीसी आवाज, यानी कि जो टोटल शेयर मार्केट के ऊपर बात करता है, उसमें जो कुछ टाई वाई लगा के पढ़े लिखे टाइप के जो लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक टाइप के, मार्केट की बहुत नॉलेज रखते हैं, वो देखोगे तो ध्यान से वो क्या बोलते हैं, वो कभी शेयर कैपिटल नहीं बोलते, वो स्टॉक मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। यानी कि स्टॉक मार्केट एक टर्म है जो शेयर मार्केट से ही रिलेट करता है, पर यूएस में शेयर को क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉक। तो हमने वो वर्ड यूएस से निकाल लिया है कि नहीं बात भैया, यूएस में क्या बोल रहे हो, स्टॉक सुनने में अच्छा लग रहा, तो हम भी क्या बोलेंगे इंडिया में, स्टॉक। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस, अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, सुनना ध्यान से, शेयर हमेशा किसमें होंगे, शेयर हमेशा नंबर्स में होंगे। मैंने एक शेयर ले लिया, दो शेयर ले लिया, मैंने हजार शेयर ले लिए, और स्टॉक किसमें होता है, स्टॉक कभी नंबर में नहीं होता, स्टॉक ऑलवेज इन अमाउंट। क्या याद रखोगे, स्टॉक हमेशा किसमें होगा, अमाउंट में होगा, ठीक है ना, और शेयर हमेशा किसमें होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। यानी आप बोलोगे भाई मैंने 100 शेयर ले रखे हैं, लेकिन अगर मैं स्टॉक बोलूंगा तो मैं बोलूंगा भाई मैंने 1,00,000 रुपए का स्टॉक ले रखा है। तो स्टॉक इंडिया में किसको डिनोट करता है, अमाउंट यानी कि वैल्यू को डिनोट करता है, और शेयर इंडिया में किसको डिनोट करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में डिनोट करता है कि हाँ भाई मैंने कितने शेयर ले रखे हैं, क्वांटिटी डिनोट करता है। उम्मीद है स्टॉक और शेयर में डिफरेंस आप समझ चुके हैं। अ शेयर दैट रिप्रेजेंट द सच पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट, वही बात इंटरेस्ट। अब ये पता कौन से केस से है, अब ये बात निकल गई इस केस से, ठीक है ना, राइट। इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एज द अमाउंट पेड देयर ऑन वियर सम टोटल कैपिटल पेएबल टू द कंपनी, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट इन द कंपनी असेट विच अ पर्सन होल्डिंग शेयर इज एंटाइटल, यानी कि तुम्हारा कंपनी की असेट में कितना इंटरेस्ट है ना, कितनी चाह है, ये से दिखाता है। बार बार इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, बार बार इंटरेस्ट वर्ड आ रहा है इस केस की वजह से। इस केस में क्या हुआ, दैट शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। भैया इस केस में जो हमारे फारवेल जस्टिस जज साहब थे, उन्होंने बोला कि बॉल एंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रॉज एंड कंपनी केस, उन्होंने बोला कि भाई शेयर का मतलब मेरी नजरों में क्या है, सिर्फ पैसा नहीं है, सम ऑफ मनी नहीं है कि भाई मेरा 1,00,000 रुपए का शेयर कैपिटल है उस कंपनी में तो भैया मेरा पैसे से ही सब कुछ है, नहीं, बट मेरा इंटरनल, मेरी अंतरात्मा भी उसमें कितना इन्वॉल्व है, वो हिस्सा, वो इंटरेस्ट भी है ना माना जाता है। हालांकि हम उस इंटरेस्ट को किसमें मेजर करते हैं, इन मनी फॉर्म में मेजर करते हैं, क्योंकि हमें पता तो मनी फॉर्म में लगेगा ना, राइट। साथ के साथ, लेकिन मनी के साथ साथ मुझे कुछ वेरियस राइट्स भी मिलते हैं, जैसे सबसे बड़ा राइट वोट करने का राइट है ना, इस तरह के राइट्स भी मुझे मिलते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द राइट इन द सम ऑफ मनी ऑफ मोर और लेस अमाउंट। और पैसों में भी मेरे को अपना राइट मिलता है कि हाँ भाई मैं डिविडेंड का राइट मिल रहा है, मुझे इतना डिविडेंड तो मिलना ही चाहिए, राइट। इस तरह के राइट आपको मिलते हैं, राइट। अगली बार जो हम पहले सीखते आ रहे हैं, भैया शेयर होल्डर कभी भी ओनर नहीं बनता कंपनी की असेट्स का, कोई पढ़ने वाली बात है, सर बिल्कुल भी पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है, राइट। द अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटल, यानी अंडरटेकिंग क्या है, यानी कि मैं बिजनेस का ओनर नहीं हूं, मेरा सिर्फ वोटिंग का हिस्सा, मैं उसकी असेट्स बिल्डिंग का ओनर नहीं हूं। राइट एंड ऑब्लिगेशन अटैच इन द शेयर आर दोज जो मेमोरेंडम में लिखी होती है और आर्टिकल में लिखी होती है, उसी का मेरा राइट होता है, ठीक है ना। इट मस्ट हाउएवर रिमेंबर दैट शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगेंस्ट द कंपनी बट ऑल्सो सर्टेन अदर राइट्स विच accrue to him according to the provision of the company act, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, contractual right नहीं होता कि मैंने शेयर खरीदने contract कर लिया कंपनी से, मेरे कुछ और rights भी होते हैं। तो धीरे धीरे आप है ना अगले level पे, फिर final level पे समझते चले जाएंगे, राइट। तो main right मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल समझने के लिए क्या, भैया voting का right, मेरे पास अगर एक शेयर भी है ना तो मेरे पास voting का right है, मैं कंपनी के मुद्दों में वोट करने का अधिकार रखता हूं। अगली है ना बेकार की टुच्ची मुच्ची बात है, शेयर मूवेबल असेट होती है नहीं होती, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने ये बात पढ़ ली थी, तो सेक्शन 44 उसी बात को रिपीट करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है, राइट, आप आसानी से बेच सकते हैं, राइट। शेयर हमेशा क्या होंगे, नंबर फॉर्म में होंगे, यानी मैंने एक शेयर, 100 शेयर, 1,000 शेयर, ऐसे होंगे, है ना, समझ में आ गया ना बात। अब देखो ये क्या लिखा है, हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ शेयर, समझना ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात है ये, दिस शैल नॉट अप्लाई, यानी कि ऊपर, खाली ये बात नहीं, ऊपर जितनी भी बातें लिखी हैं वो अप्लाई नहीं होती उन शेयर के लिए
जो हेल्ड बाय अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज, ये खतरनाक वर्ड है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर। यानी कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट वो बंदा होता है जो शेयर किसी और के होते हैं, यानी अनदर पर्सन का काम होता है, अनदर पर्सन के शेयर होते हैं, उसका बेनिफिट मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। जैसे भैया शेयर मेरे नाम पे है, शेयर मेरे नाम पे है, मैंने कंपनी को लिख दिया, शेयर भले ही मेरे नाम पे हो तो शेयर के ऊपर जितने भी बेनिफिट है, जैसे डिविडेंड है कि नहीं बात, अगर भैया जो भी डिविडेंड मुझे मिल रहा है राइट, शेयर खरीदने के बदले, तो वो डिविडेंड आपको दे दो, तो आप क्या बनोगे, बेनिफिशियल इंटरेस्ट बनोगे। क्या बनोगे आप, बेनिफिशियल इंटरेस्ट बनाए जाओगे। तो वो लिखा है, ये वाली बातें उन शेयर पे नहीं लगती जो शेयर किसी पर्सन ने कैसे रख रखे हैं, एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट रख रखे हैं कि हाँ भाई मुझे इन शेयर का इंटरेस्ट या इन शेयर पे जो फायदा होगा वो मुझे मिलेगा, ठीक है ना। और उसका नाम एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहां है, डिपॉजिटरी के पास है कि नहीं बात। यानी कि जो हमारा क्या करता है, शेयर्स का लेखा जोखा रखता है, उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। जैसे पैसों का लेखा जोखा कौन रखता है, बैंक, ऐसी शेयर्स का लेखा जोखा एक संस्था रखती है, उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है ना राइट। उसका नाम है NSDL, CDSL, ठीक है। ये वो बैंक की तरह है जो हमारे शेयर्स की देखरेख करते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, बच्चों वाली बातें हैं सर, इंसल्ट है ये पढ़ना, सेक्शन 43 है कि नहीं बात। आपको पता ही है कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यानी कि हमें यह समझना है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है जो बहुत कम कंपनी अप्लाई करती है, यानी वो कहती है जर्नली क्या होता है, जर्नली तो ये होता है भैया एक शेयर इज इक्वल टू एक वोट, समझ रहे हो। अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मीटिंग में मेरी 100 वोट्स हैं। अगर मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 60% शेयर हैं, कितने 60% राइट, तो 100 शेयर अगर कंपनी के इश्यू हुए हैं तो मुकेश अंबानी जी की वोट हो गई 60 शेयर, यानी कि 60% उनके पास पावर है। तो एक शेयर एक वोट, और जिसके पास जितने शेयर होंगे उसकी वोटिंग उतनी कहलाई जाएगी। ये जनरल वोटिंग राइट्स होता है, नॉर्मली जो देखने को मिलता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है मैं लिख दूंगा भैया एक शेयर है ना इज इक्वल टू 10 वोट, है ना, जनरल से बिल्कुल उल्टा चला गया। या फिर मैं लिख दूं जिसके पास 10 शेयर होंगे उसकी एक वोट मानी जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है ना। जनरली ऐसा बहुत कम कंपनी करती है कि भैया जिसके पास 10 शेयर होंगे उसकी एक वोट होगी, या फिर मैंने बोला इसको एक शेयर होगा उसकी 10 वोट के बराबर हम पावर मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम इस तरह काम करते हैं तो हमें एक फायदा भी देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर को कि भाई देखो अगर आपके एक शेयर है और हम आपको एक शेयर सिर्फ 10 वोट के बराबर दे रहे हैं, या फिर आपके 10 शेयर हैं 10 शेयर को हम एक वोट बना रहे हैं, 100 शेयर है 100 शेयर को हम एक ही वोट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हम आपको इसके अलावा और भी प्रिविलेज दे सकते हैं। जैसे आपका डिविडेंड हम क्या होगा 5% से बढ़ा देंगे, 10% से बढ़ा देंगे। हालांकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट टाटा मोटर्स ने 2008 में है ना इंट्रोड्यूस किया इक्विटी शेयर के साथ राइट, कॉल्ड ए इक्विटी शेयर इन इट्स राइट इशू, ठीक है ना, इन द इशू। यानी कि जब उन्होंने क्या किया, राइट इशू निकाला, ठीक है, यानी जब नए शेयर इशू किए तो नए शेयर, राइट इशू का मतलब होता है नए शेयर इशू करना, जब उन्होंने कोई नए शेयर इशू करे राइट, तो उन्होंने ये बोला एवरी 10 शेयर्स कैरी ओनली 1 वोट, यानी जिसके पास 10 शेयर होंगे हम उसकी एक वोट ही मानेंगे, ठीक है ना। बट साथ में क्या बोल दिया, रोने की बात नहीं है कि भैया हमारी वोटिंग कम कर दी, 5% पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, वुड गेट 5% पॉइंट मोर डिविडेंड देन डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। सिंस इक्विटी शेयर डिड नॉट कैरी द सिमिलर वोटिंग राइट, इट वॉज बीइंग ट्रेडेड एट डिस्काउंट टू अदर कॉमन शेयर्स हैविंग फुल वोटिंग राइट। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट अगर आप है ना इश्यू कर रहे हैं तो भैया आप शेयर नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं उन शेयर को डिस्काउंट पर, जो कॉमन शेयर से बिल्कुल अलग होता है। इसको शॉर्ट में पता क्या बोलते हैं, DVR राइट। फिर बाद में फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन कंपनी, इन सब ने भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू किए थे। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना। प्रिफरेंस शेयर क्या होते हैं,
बच्चों वाले बात है सर, प्रिफरेंस शेयर यानी कि एक ऐसे शेयर जिनको डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है, याद आ गया। और अगर वाइंडिंग अप होगा तो पहले पैसा प्रिफरेंस वालों को दिया जाएगा, यानी कि कंपनी ने साल के एंड में बैलेंस शीट पीएनएल बनाया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से जब डिविडेंड बांटा तो डिविडेंड में पहले किसको दिया जाएगा हिस्सा, पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, जो बचा कुचा होगा वो किसको दिया जाएगा, बचा कुचा हिस्सा दिया जाएगा इक्विटी वालों को। इसलिए इनका नाम ही क्या रखा है, इसलिए इनका नाम ही क्या रखा है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। इनकी प्रिफरेंस बिल्कुल पहले होगी, बिल्कुल मेहमान की तरह। घर में मेहमान आए, मटर पनीर की सब्जी बनी, तुम घर वाले हो तो तुम पहले खाओगे, मेहमान खाएंगे, मेहमान पहले खाएंगे। और कुछ बच गया है ना, बाद में पता लगा मटर मटर बच गई थोड़ी सी करी के साथ, पनीर पनीर खा गए मेहमान सारे, आपको इतना ही गुस्सा आ रहा हो, भाई थोड़ा पनीर तो छोड़ देते, लेकिन फिर भी गुस्से को पी के आपको क्या मिलेगी, सिर्फ मटर मटर। इक्विटी वाले तो बेचारे मटर के अधिकार होते हैं, है कि नहीं बात, जो प्रिफरेंस वाले छोड़ देंगे है ना, जो बच जाएगा उनसे वो पैसा डिविडेंड बटेगा। तो देखो यही लिखी है बात, राइट। इक्विटी शेयर विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी होती है, जो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, सिंपल सी बात। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल मुद्दे की बात पढ़ लेते हैं, मींस द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल और द कंपनी विच कैरी वुड कैरी अ प्रिफरेंशियल राइट, यानी कि प्रायोरिटी मिलेगी कैसे, डिविडेंड में जानते ही है, और वाइंडिंग अप पे बताई दिया आपको मैंने। डिविडेंड जब भी बटेगा तो उनका फिक्स रेट होगा, पहले उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा उनके फिक्स अमाउंट के हिसाब से, चाहे वो डिविडेंड टैक्स फ्री हो चाहे उनके ऊपर टैक्स लगता हो, तो टैक्स लगने के बाद जो भी बचेगा उनका फिक्स पैसा पहले उनको दिया जाएगा, ठीक है। वाइंड अप पे क्या होगा, वाइंड अप पे क्या होगा, इन केस ऑफ वाइंड अप या फिर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब भी आप वाइंड अप करेंगे या कैपिटल की रिपेमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो जब भी उन्हें आप उसे आप क्या बोलेंगे, रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन होगा तो कैसे होगा, प्रिफरेंशियल राइट उनका रहेगा कि आप उन्हें रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम ऑन एनी फिक्स स्केल, है कि नहीं बात, स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, जो भी है ना, प्रीमियम किस में डिसाइड किया जाएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल में, जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंट्स में करते हैं, रिडीम एट प्रीमियम। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। अगला देखो, कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी, ये बड़ी मजेदार बात है, बहुत ही शानदार जानदार बात, क्या वर्ड लिखा है, डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल, सुनना ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज पेचीदा है लेकिन सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। डीम्ड टू प्रेफरेंस कैपिटल, डीम्ड मान लेंगे, ठीक है ना, एक कैपिटल है, सुनना ध्यान से, एक कैपिटल है जो हमने इश्यू कर रखी है, राइट, कैपिटल इश्यूड है, समझ के बाद, उस पे हमने ये उस शेयर होल्डर को लिख के दे दिया कि भाई जब भी डिविडेंड पे करेंगे ना तो प्रिफरेंस के जैसे ही, प्रिफरेंस के जैसे ही तुझे भी हम प्रायोरिटी देंगे और तेरा डिविडेंड भी हम पहले पे करेंगे जैसे प्रिफरेंस वालों को पे करते हैं, भले ही वो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ना हो, ठीक है, फिर भी हमने उसको क्या दे दिया, एक कैपिटल का अधिकार दे दिया कि प्रिफरेंस शेयर की तरह ही तुझे भी हम प्रिफरेंस देंगे पेमेंट करते टाइम पे, तो एक तरीके से वो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल की तरह तो हो गया, लेकिन एक्चुअली वो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला गया, डीम्ड टू बी प्रिफरेंस कैपिटल, डीम्ड टू बी प्रिफरेंस कैपिटल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। देखो क्या लिखा है, सुनना ध्यान से, इन रेस्पेक्ट टू डिविडेंड, सुनना ध्यान से, डिविडेंड को लेकर है ना क्या बात कही, राइट, ये जो बात है, इन एडिशन टू प्रिफरेंशियल राइट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड, ये जो प्रिफरेंशियल राइट ऊपर दिए गए हैं वो तो ठीक है, सबसे मुद्दे की बात ध्यान से सुनना जो अब मैं तुम्हें बोलने वाला हूं, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट, कि आपके पास राइट है पार्टिसिपेट करने का, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, चाहे वो राइट पूरा हो चाहे वो कुछ लिमिटेड राइट हो, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है उसे इग्नोर करेंगे। इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट विद कैपिटल नॉट एंटाइटल टू प्रिफरेंस राइट, यानी उस कैपिटल के साथ आपका राइट है पार्टिसिपेट करने का जिस कैपिटल पर प्रिफरेंशियल राइट नहीं है, यानी कैपिटल जिस कैपिटल पर आपको प्रिफरेंस वाले राइट नहीं है, ऐसी कैपिटल के साथ, सुनना ध्यान से, एक ऐसी कैपिटल है आपके पास, एक ऐसी कैपिटल है आपके पास जिस पे आपको प्रिफरेंस वाले राइट नहीं है कि भैया डिविडेंड पहले आपको दिया जाएगा, वाइंड अप पे पैसा पहले आपको दिया जाएगा, ऐसे राइट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिविडेंड में
हिस्सा दिया जा रहा है किसकी तरह, बिल्कुल प्रिफरेंस कैपिटल की तरह। तो आपके पास वो कैपिटल नहीं है प्रिफरेंस वाली, पर फिर भी जो कैपिटल है उस पर आपको प्रिफरेंस दिया जा रहा है कि हम आपको पहले आपको ही डिविडेंड देंगे फिर बाद में दूसरों को देंगे। तो भैया ये कैपिटल जो प्रिफरेंस वाली है नहीं, लेकिन आपको राइट प्रिफरेंस वाले मिल रहे हैं। प्रिफरेंस वाली कैपिटल नहीं है पर राइट प्रिफरेंस वाले दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसे हम क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी प्रिफरेंस कैपिटल। डीम्ड टू बी प्रिफरेंस कैपिटल हो गया नहीं हो गया, क्योंकि राइट आपको प्रिफरेंस जैसे मिल रहे हैं तो डीम्ड प्रिफरेंस कैपिटल। ठीक है, तो इसको ध्यान से रीड करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज है ना टेढ़ी मेढ़ी है, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके समझा चुका हूं। सेम बात देखो, सेम बात वाइंड अप के लिए भी लिखी है, दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल के रेस्पेक्ट में है ना, जो कब सामने आएगी, वाइंड अप के टाइम पे सामने आएगी। ठीक है ना, अब देखो क्या लिखा है, जो अंडरलाइन कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट, यानी वाइंड अप के टाइम पर उनका राइट है पार्टिसिपेट करने का, किस कैपिटल के साथ, विद कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिफरेंशियल राइट, यानी कि एक ऐसी कैपिटल के साथ, एक ऐसी कैपिटल जिसको प्रिफरेंशियल राइट नहीं है, एक ऐसी कैपिटल जिसको प्रिफरेंशियल राइट नहीं है, उस कैपिटल के साथ आपको राइट दिया जा रहा है वाइंड अप के टाइम पे पार्टिसिपेट करने का। ठीक है ना, राइट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वाइंड अप के टाइम पर जब पैसा रिडीम होगा, तो जैसे पैसा हम प्रिफरेंस वालों को रिडीम करेंगे, समझ लो ध्यान से, जैसे पैसा हम प्रिफरेंस वालों को रिडीम करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ही वो पैसा आपको भी रिडीम किया जाएगा, उनके जैसे ही आपको भी रिडीम किया जाएगा, नहीं उनको और आपको पैरेलल रखा जाएगा। भैया वाइंड अप पूरी कंपनी, ये लो भाई प्रिफरेंस वाले पैसा ले लो, और भैया आप एक ऐसी कैपिटल लेके आए हो जिसके पास प्रिफरेंशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कैपिटल को हम प्रिफरेंस जैसा राइट दे रहे हैं। ठीक है, तो उस कैपिटल को हम क्या नाम देंगे, डीम्ड प्रिफरेंस कैपिटल। क्या नाम देंगे, डीम्ड प्रिफरेंस कैपिटल, राइट, इन एडिशन टू द प्रिफरेंशियल राइट ऑफ द रिपेमेंट, जो प्रिफरेंशियल राइट है वो तो है, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड अबव इट हैज बीन राइट टू पार्टिसिपेट। अब क्या राइट आपका चाहे पूरा हो चाहे आधा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, राइट टू पार्टिसिपेट विद कैपिटल, आपका राइट है पार्टिसिपेट करने का उस कैपिटल के साथ जिस कैपिटल पर प्रिफरेंशियल राइट नहीं दिए जाते, इन एनी सरप्लस विच में बी रिमेन आफ्टर द एंटायर कैपिटल हैज बीन रिपेड। तो जो भी है ना आपको दिया जाएगा वो प्रिफरेंस के जैसा ही दिया जाएगा, उनके साथ ही दिया जाएगा, इसलिए हम आपको क्या नाम देंगे, जो ये लिखा है बहुत ही मजेदार बात, कैपिटल डीम्ड टू बी प्रिफरेंस कैपिटल, एक ऐसी कैपिटल जिसको है ना प्रिफरेंशियल राइट तो नहीं है पर हम उसे डीम टू बी प्रिफरेंशियल कैपिटल अब मानेंगे। आई होप ये बात आपको बहुत शानदार जानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए, ये छोटा सा नॉमिनल सा मामूली सा टॉपिक था, ये आप जानते ही हैं, राइट, एक अगले टॉपिक में मिलेंगे, शानदार जानदार टॉपिक में मिलेंगे, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।